পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল সিএম পিডিআই এর অস্থায়ী কর্মচারীরা প্রায় 6 মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না, এই অভিযোগ তুলে অনশন বিক্ষোভে বসেছেন তারা। মঙ্গলবার সিএম পিডিআই কার্যালয়ের সামনে প্রায় 200 জন ঠিকা শ্রমিক এই বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ঠিকা কর্মচারী জে কে সিং ও অনু ব্যানার্জি। পুরো বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। सीएमपीडीआई से आज हम लोगों के यहाँ पे जो भूख हड़ताल का नोटिस दिया गया था लगभग 15 दिन पहले और आरएनसी वगैरह को भी लेटर दिया गया था, परंतु किसी प्रकार के प्रबंधन की तरफ से सुनवाई ना होने के कारण आज हम लोग भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे अग्रसर हुए हैं। और लगभग 200 ठेका कर्मी हमारे साथ हैं और सभी लोगों में से कुछ माली हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ सफाई कर्मचारी हैं। इन लोगों को लेकर प्रबंधन तरह तरह का खेल रच रहा है। प्रबंधन की तरफ से ठेकेदार के साथ मिलीभगत कुछ लोगों का है और इस मिलीभगत का जो शोषण का तरीका है ये जायज पूरे तरीके से ठहराया जा रहा है। हमारे ठेका श्रमिकों पे, ठेका श्रमिकों के ऊपर इतना शोषण किया जा रहा है, इन लोगों को 6-6 महीने तक का जो वेतन है उसको रोक के रखा गया है। रोकने के साथ सीएमपीएफ, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं को भी रोक के रखा गया है और इसमें तरह तरह का शोषण का प्रतिक्रिया बीच बीच में आता रहता है। अब जब सर से ऊपर पानी गया है, इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि आज भूख हड़ताल पर बैठ के आमरण बैठेंगे, क्योंकि 6 महीने से सैलरी ना होने के कारण हम लोगों के घर में बच्चों के लिए दूध नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस का पैसा नहीं है, सभी घर पे बैठे और घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। ठिकादार आज 5 जन आज गाड़ी ठिकादार मैं ड्राइवर जरा आज 5 ठिकादार आज मध्य मध्य सब एक ही क्यों 4 मास क्यों 5 मास क्यों 3 मास এই অবস্থায় আছে সব। গাড়ি ছাড়া কি কি আছে? কি গাড়ি আছে, সিকিউরিটি আছে, ক্লিনার আছে, মালি আছে, অনেকেই আছে, তাহলে তাও সবাই কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বঞ্চিত হয়ে আছে। কোনো কিছু লাভ নেই, কোনো বলে কোনো সেবা নেই, যাকে তাকে মানে বলছি হ্যাঁ আশ্বাস দিচ্ছে এই সামনে পরের মাসে ঠিক করে দেবো, এই মাসে হয়ে যাবে, এই মাসে পেমেন্ট হয়ে যাবে, কিন্তু এমন অবস্থা খাওয়া দাওয়া ঢুকছে না, করুন আসলে আর ভাড়া ঢুকছে না, পরিস্থিতি এতই খারাপ। এইটা কিন্তু আমরা কিন্তু নিজেরা স্বেচ্ছাই, আমাদেরকে কেউ কোনো প্রেশার দেয়নি, আমরা স্বেচ্ছায় সব ড্রাইভার ভাইরা, সব মালিক ভাই, সিকিউরিটি, আমরা স্বেচ্ছায় কিন্তু এইটা আমরা ধর্মঘটটা করি।